Friends, I welcome you to the video classes for class 9. This is social science subject, and in the social subject we are going to study the political science portion. In the political science portion we are going to study the chapter 4, that is working of institutions. मैं जो बताने जा रहा हूँ कि working of institutions कैसे ये different institutions काम करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है. इंस्टीट्यूशन अ बॉडी ऑफ अथॉराइज्ड पीपल होती है, यानी एक बॉडी, एक कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल होते हैं, लोगों का एक ग्रुप होता है जो अथॉराइज होते हैं उनको पर्टिकुलर फंक्शन करना है, कोई पर्टिकुलर काम करना है. जैसे आपके स्कूल में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन होता है, एग्जामिनेशन सेल होता है, उनका काम होता है एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, बाकी चीजें वैसे ही. और यही इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कौन से इंस्टीट्यूशंस पढ़ने हैं, दैट आर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस. एक कंट्री में, एक पूरे मुल्क में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, यही हम पढ़ेंगे यहाँ पे. आपको पता है कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जैसे पंचायत एक इंस्टीट्यूशन है, इसमें सरपंच होता है, इसमें पंच होता है, उनका क्या होता है, कुछ काम करना, उनके प्लान होते हैं, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, वो कैसे करते हैं, वो कैसे डिसीजन लेते हैं, अगर हम इसको पढ़ेंगे दैट मीन्स हम पंचायत इंस्टीट्यूशंस को पढ़ रहे हैं. लेकिन इस चैप्टर में हम लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस नहीं बल्कि सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे, जिन्हें हम कहेंगे द इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ेंगे. जैसे कि आपको पता है 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट, तीसरी है लोकल लेवल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखते हो कि पार्लियामेंट होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ये पूरी कंट्री के लिए काम करते हैं, पूरी कंट्री की गवर्नमेंट चलाते हैं, इसलिए हम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं. और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है. जैसे कि एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर होता है, उनकी असेंबली होती है, तो इसको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट. और लोकल लेवल गवर्नमेंट जो थर्ड टाइप गवर्नमेंट है, इसको इसमें आता है पंचायत आता है, म्युनिसिपल कमिटीज आता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, इसको लोकल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, इसमें जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे काम करते हैं. गवर्नमेंट का काम होता है कोई पॉलिसी बनाना, कोई लॉ बनाना. अब ये कैसे लॉ बनाते हैं, कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. और इस ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ेंगे सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के. जैसा कि आपको मैंने बार बार बताया है क्लासेस में भी कि सेंट्रल लेवल जो है ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक बॉडी होती है, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, हेड होता है, हैंड्स होते हैं एंड फीट होते हैं, और इन अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग काम होता है. ऐसे ही अगर गवर्नमेंट एक बॉडी है, बॉडी ऑफ पीपल है, तो इसके भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. सेंट्रल लेवल पे हम मेजरली देखते हैं 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, 3 ऑर्गन्स. पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशियरी. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये 3 ऑर्गन्स जो है, ये 3 इंस्टीट्यूशंस जो है, ये कैसे काम करते हैं. जैसे कि लेजिस्लेचर है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, इनका काम होता है टू मेक लॉज.
मीन्स पहला ऑर्गन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर, उसका काम होता है कानून बनाना, लॉ बनाना, ये लेजिस्लेचर का काम होता है। अब दूसरा ऑर्गन जो है इसका काम क्या है, टू इंप्लीमेंट लॉज। दूसरे एग्जीक्यूटिव का काम है इन लॉज को इंप्लीमेंट करना, जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाए, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाई, जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाए अब उनको इंप्लीमेंट लागू किया जाता है, और लागू करने के लिए गवर्नमेंट के पास दूसरा ऑर्गन है जिसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। अब एग्जीक्यूटिव का काम है इन कानून को, इन लॉज को इंप्लीमेंट करना। अब जो तीसरा ऑर्गन है जिसे जुडिशियरी कहा जाता है, इसका काम क्या है, अब जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए और एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट किए, इन लॉज से किसी के साथ इनजस्टिस हो सकता है, किसी के साथ किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सफर हो सकता है इन लॉज की वजह से, अब उसको जस्टिस कौन प्रोवाइड करेगा, जुडिशियरी। या हम जुडिशियरी की फंक्शन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए और एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट किए, अगर कोई लॉ, कोई शख्स, कोई बॉडी, कोई इंस्टीट्यूशन इन लॉज को ब्रेक कर रहा है, कानून तोड़ रहा है, उसको पनिश करेगा जुडिशियरी। मीन्स जुडिशियरी का काम है टू डिफेंड लॉज, लॉज को डिफेंड करना जुडिशियरी का काम है। और इसका काम और भी है कि अगर इन लॉज की वजह से कोई क्लैश आ जाता है सोसाइटी में, किसी को ये लॉज एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो रही है लॉज से, तो वो जुडिशियरी में मीन्स सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके वहां अपना केस जो है ले जा सकते हैं, और जुडिशियरी उनको इंसाफ प्रोवाइड, जस्टिस प्रोवाइड करेगी, ये काम है जुडिशियरी का। अब हम देखेंगे कि ये तीनों ऑर्गन जो है ये कैसे काम करते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल जो हम यहां देने जा रहे हैं वो ये है कि 13 अगस्त 1909 को यूनियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया। ये लॉ जो था इसे ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है, ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ 13 अगस्त 1909। इस ये एक डिसीजन था, एक बड़ा फैसला था, एक बड़ा डिसीजन था इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में। इस लॉ में क्या हुआ कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, मीन्स SEBC, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको 27% रिजर्वेशन दी गई। मीन्स जो भी गवर्नमेंट जॉब आएंगे, जो भी पोस्ट आएंगे, इस लॉ के जरिए, इस एक्ट के जरिए या इस डिसीजन की मदद से उनको 27% रिजर्वेशन दी जाएगी। अब 27% अगर 100 पोस्ट हैं, गवर्नमेंट पोस्ट हैं, उनमें से 27 पोस्ट्स सिर्फ इस क्लास के लिए, मीन्स सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व है। ये एक बड़ा डिसीजन था इंडियन गवर्नेंस ने, क्योंकि इससे पहले जो है रिजर्वेशन सिर्फ एसटीज, मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एससीज के लिए थी। एसटीज और एससीज के लिए ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन रखी गई, अब तीसरा क्लास एड किया जाता है जिससे SEBC ने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कहा जाता है। अब हम देखेंगे ये जो डिसीजन था ये कैसे लिया गया। सबसे पहले हम देखते हैं डिसीजन जो लेते हैं, लॉ जो बनाते हैं वो लेजिस्लेचर होता है। अब हम इस लेजिस्लेचर में देखेंगे कि कौन कौन सा होता है। लेजिस्लेचर में सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है ये हेड ऑफ स्टेट होता है, पूरे मुल्क का हेड यही होता है, बट ये जो हेड होता है ये नॉमिनल होता है, नाम का, ये नाम का हेड होता है, रियल हेड ये नहीं होता है।
जो भी डिसीजन लेजिस्लेचर लेता है इसके नाम पे उनको साइन करके इश्यू किया जाता है। रियल हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। प्रेसिडेंट जो होता है हेड ऑफ स्टेट होता है, ये नॉमिनल होता है, नाम का हेड होता है। और प्राइम मिनिस्टर जो है ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसे रियल हेड कहा जाता है। ये रियल हेड है, असल में जो भी पावर्स है वो यही एक्सरसाइज करता है, इसी के हाथ में रियल पावर्स होती है। और क्या होता है सेंट्रल लेजिस्लेचर में? पार्लियामेंट। हिंदुस्तान में, इंडिया में जो पार्लियामेंट है इसकी टू हाउसेस है, मींस बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। यहाँ बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है इसमें हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा। इंडियन पार्लियामेंट के टू हाउसेस है लोकसभा और राज्यसभा। जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये लोकसभा से होता है, और ये जरूरी है कि लोकसभा की मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स, मेजॉरिटी ऑफ द मिनिस्टर्स इस प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करनी चाहिए। मींस जिस पार्टी की अक्सरियत है लोकसभा में उसी का प्राइम मिनिस्टर होता है। ये जो है यही एक डिसीजन लेती है। इस गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1979 में एक कमीशन बिठाया जिसे मंडल कमीशन कहा जाता है, मंडल कमीशन। इसका हेड जो था वो जेपी मंडल था। ये कमीशन था, इसका काम क्या था? ये कमीशन था मीन्स एक इसका मंडल जो है वो हेड था और इसके साथ दूसरे पर्सन थे। इनको ये काम दिया गया कि आप देखो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, आप देखो उनको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कौन सा क्लास बैकवर्ड है, और हमें गवर्नमेंट को आप सजेशन दो, रिकमेंडेशन दो कि इस बैकवर्ड क्लास को हम कैसे अपलिफ्ट करेंगे, इनकी बेटरमेंट के लिए हम कैसे क्या काम करेंगे, कौन से हमें पॉलिसीज बनानी है। इस मंडल कमीशन ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी गवर्नमेंट को, बहुत कुछ कहा आप ऐसा करो वैसा करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो थी वो ये थी कि आप इन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन जो है वो आप इश्यू करो, कि 27% रिजर्वेशन होनी चाहिए इन बैकवर्ड क्लासेस के लिए। बहुत सालों तक गवर्नमेंट में या पार्लियामेंट में इसको डिस्कस किया गया, इस मसले को कि हम इनको रिजर्वेशन दें, कैसे दें, क्या करें, बहुत टाइम तक ये डिस्कस किया गया, लेकिन ये जो है पॉलिसी बनी नहीं, ये लॉ बना नहीं, क्योंकि इसकी बहुत सारी अपोजिशन आ रही थी। फिर टाइम आता है इलेक्शंस का, 1989 में इलेक्शंस का टाइम आता है। वहां जो जनता दल पार्टी थी, जनता दल जेडी, जिसे जेडी कहा जाता है, जनता दल पार्टी जो थी उन्होंने ये डिक्लेयर किया, उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया, उन्होंने लोगों को वादा दिया कि अगर हमें वोट डाला जाएगा, अगर हम गवर्नमेंट बनाएंगे, अगर हम पावर में आएंगे तो हम इस रिकमेंडेशन को पास कर देंगे, हम दे देंगे 27% रिजर्वेशन। इससे क्या हुआ, लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जनता दल गवर्नमेंट को और इन ये पावर में आ गई, ये इलेक्शन जीत गई। इनका प्राइम मिनिस्टर जो था वो वीपी सिंह था। वीपी सिंह के अंडर जनता दल गवर्नमेंट जो है पावर में आ जाती है और ये मंडल कमीशन के इस रिकमेंडेशन को पास कर देते हैं। हम देखेंगे ये क्या करते हैं। सिक्स अगस्त 1980 को 1980 में 6 अगस्त को वीपी सिंह और इसकी कैबिनेट ऑप्शनली ये फैसला देते हैं कि हम इस रिकमेंडेशन को पास करेंगे, हम इसको एज ए एक्ट पास करेंगे। इसके बाद फिर वीपी सिंह जो है पार्लियामेंट में जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं और फाइनली ये जो है ये पास हो जाता है।
और ये एक्ट बन जाता है, मीन्स रिजर्वेशन रखी जाती है, 27% रिजर्वेशन एक्ट जो है ये पास किया जाता है। ये रिजर्वेशन किन के लिए होती है? फारसी फॉर एजुकेशनली, फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन जो है रखी जाती है। जब पार्लियामेंट इस एक्ट को पास कर लेता है, अब हम देखेंगे लोग क्या रेस्पॉन्स करते हैं इसको, इसको इम्प्लीमेंट भी कर देता है एग्जीक्यूटिव, अब लोग जो है इसको कैसे रेस्पॉन्स करते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर्स में ये बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है, जैसे आज भी कोई एक्ट पास होता है न्यूज़पेपर्स में आता है, टीवी चैनल्स पे आता है, उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन होती है। उस वक्त भी न्यूज़पेपर्स में इस एक्ट के रिलेटेड बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई, मैगजीन्स में बहुत ज्यादा बातें की गई इसके बारे में, टीवी पे की गई, लेकिन लोग जो है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, लोग डिवाइड हो जाते हैं इसमें। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं ये जो एक्ट है ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में इनइक्वेलिटीज है, कुछ लोगों के साथ कुछ लोग जो है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, अगर हम उनको रिजर्वेशन देंगे तो वो अपलिफ्ट हो जाएंगे, तो ये लोग जो है इस एक्ट को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम जो हम देखते हैं कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कहते थे कि अगर 27% हम रिजर्वेशन देंगे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, दूसरी तरफ से एसटीएस को भी रिजर्वेशन है, एससीएस को भी रिजर्वेशन है, जो अब बैकवर्ड है ही नहीं उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है, उनके ये कम पोस्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसको। मीन्स एक तरफ से इस एक्ट को सपोर्ट भी मिल रहा है, दूसरी तरफ से क्रिटिसाइज भी मिल रहा है। अब हम देखेंगे मीन्स एक मसला बन जाता है, इश्यू आ जाता है, जिसे हम कहेंगे ये कंफ्लिक्ट होता है, एक कंफ्लिक्ट होता है। अब इस कंफ्लिक्ट को कौन रिजॉल्व करता है, कैसे कंफ्लिक्ट दूर किया जाता है, इसके लिए गवर्नमेंट का तीसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो इंडिपेंडेंट है, जिसे हम कहते हैं ये जुडिशियरी है। जुडिशियरी जिसमें कोर्ट्स आते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, वही इन कंफ्लिक्ट्स को, वही इन मसलों को रिजॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे जो लोग इस एक्ट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है केसेस फाइल किए, बहुत सारे केसेस फाइल किए गए इंडिविजुअल्स ने, इंडिविजुअली लोग गए, उन्होंने केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए, कहा नहीं ये एक्ट जो है ये ठीक नहीं है, ये हमारी अपॉर्चुनिटीज के खिलाफ जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी, बहुत सारी कमिटीज थी, उन्होंने भी इस एक्ट के खिलाफ जो है केस फाइल किए सुप्रीम कोर्ट में। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन सभी केसेस को, जो डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ केसेस इसके खिलाफ रजिस्टर किए जाते हैं, वो इन सभी केसेस को बंडल अप करती है, एक ही केस बनाती है, उस केस का नाम रखा जाता है इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यानी बहुत सारे जो केस फाइल किए जाते हैं इस एक्ट के खिलाफ, इन केसेस को सुप्रीम कोर्ट बंडल अप करता है, एक ही केस बनाता है, इसका नाम रखा जाता है इस केस का इंदिरा सावनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस होता है। अब इस केस में क्या होता है, जो लोग इस एक्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो जाते हैं, उनके जो है एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है इस एक्ट के जरिए, कैसे ये एक्ट ठीक नहीं है, ये अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, और सपोर्टर्स जो होते हैं इस केस के वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। अब क्या होता है, 11 जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, 11 जज जो होते हैं वो इस केस को अच्छे से सुनते हैं, सपोर्टर्स के जो है आर्ग्यूमेंट्स भी सुनते हैं, क्रिटिक्स के आर्ग्यूमेंट भी सुनते हैं, और फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लेती है कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने
जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है ये लेजिटिमेट है, ये ठीक है, क्योंकि इससे जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये अपलिफ्ट हो जाएंगे। मीन्स अब सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिफेंड करती है इस लॉ को जो लॉ बनाया गया है, लेकिन साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन देती है कि आप इसको रिवाइज करो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो इसको रिवाइज करो, इसमें देखो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है जिसमें जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और अकॉर्डिंगली इस सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन पे जो यूनियन गवर्नमेंट है ये इस एक्ट को फिर से देखते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, फिर 27% रिजर्वेशन जो है रखी जाती है, फिर उन्होंने इसको कम करके 23% रिजर्वेशन रखा। मीन्स पहले 27% रिजर्वेशन इस सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दी गई थी, अब यूनियन गवर्नमेंट ने इसको कम करके 23% रखा। अब जो जिन लोगों ने ये एक्सक्यूज किया था कि हमें प्रॉब्लम हो रही है उनको इसे हेल्प मिल गई, नंबर वन। नंबर टू, यूनियन गवर्नमेंट ने जो किया उन्होंने कहा जो वेल टू डू है, वेल टू डू जो अच्छे लोग हैं, जो अमीर लोग हैं इस बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, अच्छे लोग हैं, वेल टू डू हैं, इनको इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। मीन्स जो क्रीमी लेयर है इस बैकवर्ड क्लासेस में, जो अमीर लोग हैं, जो क्रीमी लेयर है, जो वेल टू डू है, उनको इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं होगा, वो इस रिजर्वेशन से बाहर है। इसी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा आप फिर से देखो, इसी जो है ये मसला जो है ये खत्म हो गया, इससे जो डिस्प्यूट हुआ था, जो कंफ्लिक्ट हुआ था उसको रिजॉल्व किया गया। ऐसे फिर 1993 में गवर्नमेंट इस एक्ट को फाइनली पास करती है और ये रिजर्वेशन सक्सेसफुल रहती है, अब इस कंफ्लिक्ट को भी दूर किया जाता है। आई विल सम अप, आपको मैं बोलूंगा कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर ने इस एक्ट को पास किया, कैसे एग्जीक्यूटिव ने इसको इंप्लीमेंट किया, फिर कैसे कंफ्लिक्ट हुआ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी, फिर उन्होंने जुडिशरी में केस फाइल किया, जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस मसले को जो है सॉल्व किया। तो ये था कि कैसे फंक्शन करते हैं इंस्टीट्यूशंस इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट।